ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में खुश होगे। और आज हम एक ये रीडिंग लेके आए हैं जिसमें हम करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस देखेंगे आपके पार्टनर के। क्या वो आने वाले टाइम में कुछ एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में, क्या उनके माइंड में बेसिकली चलता रहता है। हमारा जो मेन एजेंडा होगा इस रीडिंग का वो ये होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। लास्ट में एक डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। ओवरऑल जो भी आपकी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये एक सन, मून, साइन या नाम राशि जो भी आप मैच करते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग को, उससे आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप आगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ वगैरह वगैरह। सो प्लीज़, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती ये सारी रीडिंग्स, पूरी पूरी बातें हर एक के साथ मैच कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रही हैं तो आप इसे वो कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। एंड लास्ट, पर्सनल रीडिंग का नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे व्हाट्सएप ही करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, और क्योंकि व्हाट्सएप पर भी मैं ही रिस्पॉन्ड करती हूँ और कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता है। नंबर वही है जो हाईलाइट हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप वही हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैं वही हूँ तो मैं आपको एक वॉइस मैसेज भेज सकती हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि येस आई एम द वन, ठीक है। अब हम जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और भगवान का नाम लेके, गणेश जी का, जल्दी से। ओके, सो माई डियर कैप्रिकॉर्न, आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर एक्शन, इंटेंशंस एंड लास्ट में एक्शंस, ठीक है। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फिलहाल इस रिश्ते को लेके? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, उनकी ये करंट फीलिंग्स हैं कि उन्हें सबसे पहले, नंबर वन, उन्हें अपनी लाइफ में शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उन्हें पैसा चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उन्हें खुशियाँ चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उन्हें किसी भी तरह का मेलो ड्रामा नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इस रिलेशनशिप में क्या वो कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने मन में काफ़ी प्लान्स, काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़कर करेंगे अगर उन्हें मौका मिले। वो यस, कुछ ना कुछ अगर आपकी तरफ से उनको अगर कोई हिंट जाएगा या कोई आप कॉल मैसेज करेंगे वो आपको डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, वो करना चाहते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि उन्होंने अब अपने प्लान्स पर नहीं वो काम करते। प्लान्स है मेरा मतलब है कि वो हर चीज़ सोचते हैं कि जो ये कर रहा है ये डिवाइन कर रहा है, डिवाइन की मर्ज़ी के बिना मेरी लाइफ में पत्ता नहीं हिल सकता। दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन गॉड रेदर देन यू, उनका पूरा ध्यान उसी पर है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको आगे का रास्ता, आगे का चीज़ें वही बताएंगे क्योंकि उनको वही क्लैरिटी देंगे, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। मैं इंटेंशंस देखती हूँ, क्या वो कोई इंटेंशंस हैं उनकी इस रिलेशनशिप को लेके। मैजिशियन, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। देखिए, वो इंटेंशंस उनकी ये हैं कि वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डर हैं, एंजाइटी है,
उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक कर लें या रिकनसाइल कर लें या वापस से आपके साथ जुड़ जाएं या वापस से आपको एक और मौका दें, कहीं उन्हें फिर से रिग्रेट ना करना पड़े, कहीं उन्हें अपने इस डिसीज़न पर रोना ना पड़े, कहीं वो फिर से दोबारा से उतने वीक ना पड़ जाएं कि मुझे अब लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे अब लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। सो मुझे एक चीज़ जो उनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा ये दिख रही है कि एक बहुत टफ़ साइकिल से ये गुजरे हैं, और इतने टफ़ साइकिल से गुजरने के बाद अब उन्हें ये लगने लगा है कि अब मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, बहुत मुश्किल से एक न्यू चांस दिया है अपनी लाइफ को, और इस चांस के बाद कैसे करके अब मैंने खुद को संभाल के। और हालांकि ये नहीं है कि वो आपसे दूर हो गए हैं या कम बोलते हैं या कुछ है या इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाह रहे या आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, बट उन्हें ये लग रहा है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, अगर वो जिस मेन नियति से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं, अगर वो चीज़ पूरी ना हुई तो बाद में ये ना हो कि उन्हें रिग्रेट हो, ऐसा सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके, रिग्रेट नहीं करना चाहते, मन में डर है, मन में फियर्स हैं उनके। ठीक है, क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ के कोई एक्शन लेंगे, कोई उनके मन में है, क्या उन्हें कैप्रिकॉन की तरफ आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, आइए देखते हैं उसके लिए क्या कार्ड्स बता रहे हैं हमें। क्या कैप्रिकॉन के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे उनके तरफ। डेविल, फोर ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर फिलहाल एक्शन तो मुझे नहीं लेते नज़र आ रहे, लेकिन वो जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे वो अपने बारे में पहले सोच के लेंगे। अगर यहाँ पे बेबीज़ भी इन्वॉल्व हैं तो वो बच्चों के बारे में भी पहले सोच के डिसीज़न लेंगे, उनका हर एक डिसीज़न उनके बेबीज़ और उनकी फैमिली को मद्देनज़र लेके या फ्यूचर को लेके ही होगा। वो अपने पास्ट को अच्छे से टटोलेंगे, ठीक है, वो आने वाले फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या रास्ते हैं, उसको देखेंगे, एंड देन फाइनली वो एक डिसीज़न लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो अभी अगर मैं एज ऑफ नाउ कहूँ, सो ऐसा नहीं कहूँगी कि वो कम्प्लीटली नेगेटिव हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ वो जो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनके बेसिस पे एक पूरा एनालिसिस बनाकर अपने माइंड में आपकी तरफ आएंगे। जबकि ये कार्ड कैप्रिकॉन आपका ही है, डेविल का कार्ड, लेकिन ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आया है। सो पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड अभी भी फील कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। डेफिनेटली वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को पहले क्लैरिफाई करेंगे कि उनको नुकसान ना हो, तब वो आगे आएंगे आपकी तरफ। जब तक वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे कि मैं आगे आऊँ और उनको या बच्चों को या किसी चीज़ को या उनके परिवार को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे सोच के वो आगे आएंगे। अगला मैं देखती हूँ क्या है डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉन आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, यानी कि होप, आपको होप का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कैप्रिकॉन। चाहे आपका पार्टनर जो भी बिहेव कर रहा है अभी इस टाइम इस रिलेशनशिप में, बट यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू ब्रिंग द चेंज, थोड़ा सा बदलाव लेकर आएँ अपनी अप्रोच में, अपने बिहेवियर में, अपनी पूरी पर्सनालिटी में। कॉल इन द प्योर लाइट का कहीं ना कहीं है कि डिवाइन से कनेक्ट हों, और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं डिवाइन से ही कनेक्ट होकर सरेंडर मोड में है, और आपको भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी आप उसका वापस से दिल जीत पाएंगे। एंड योर यूनिकॉर्न इज़ सो क्लोज टू यू, सो मे बी इन द वेरी क्लोज टाइम बहुत ही जल्दी चीज़ें दोबारा से आपके हक में हो जाएं और आपका पार्टनर फिर से एक साथ हो जाएं। सो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और दिख रहा है कि
पार्टनर वापस से आपको मिल सकता है। सो ये है कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स कि क्लैरिटी आपको मिली हो। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।